हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, जयपुर का टूर चल रहा है और वीडियो आती रही हैं, आपका प्यार भी मिल रहा है, थैंक यू सो मच। तो इसी दौरान मैं आ चुका हूं अपने एक ऐसे प्लेस पे जिसके बिना जयपुर का टूर अधूरा सा माना जाता है। आप मेरे पीछे वो देख रहे हो, ये है जल महल। पूरी ये देखिए, अभी यहाँ पे मछली को खाना दे रहे हैं, बत्तखें हैं। तो पूरी जो रिवर है, जितने भी माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पे बीच में है जल महल। तो चलिए देखते हैं, दूर से ही देखने देते हैं। बाकी आसपास में ये दुकानें हैं खाने पीने की, सामान खरीदने की। तो आप जब भी इधर आएँ तो यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ राइड वाइड करने तो वो कर सकते हैं, बाकी जल महल देख सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटोशूट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं। देखो जल महल के आगे इस तरह से मार्केट है, आप फोटो निकलवाना चाहे तो वो भी निकलवा सकते हैं 50 रुपए की। देखो बीच में जो बड़ी सी बत्तखें हैं, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। आगे से दिखाता हूँ, पूरा जल महल दिखेगा। मान को देखना, पलटती थोड़ी ना होगी। दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है आपको, तो काफ़ी सुंदर लगता है। बहुत पहले जब गर्मियों में कुछ टाइम पहले जब पानी सूख जाता था तो आराम से वहाँ पे अंदर घूमने भी जाया करते थे लोग, अगर आपने बहुत पहले की वीडियो देखी होगी तो। बट अब पानी काफ़ी टाइम से कम भी नहीं हुआ और अब तो बड़ा हुआ, तो अंदर जा ही नहीं पाते। बाकी यहाँ पर तो कोई एंट्री फीस वगैरह है नहीं यहाँ पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेस का, यहाँ पे आप ड्रेस पहन के फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। इसके चार्जेस अकेले में आप खिंचवाते हो तो आपके 50 रुपीज़ है। ये जल महल के बिल्कुल सामने आप ऐसे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ये जल महल। इसके साथ चार्जेस अलग अलग है, पर अगर आप एक पर पर्सन है तो उसके 50 रुपये, आप दो लोग हैं तो 100 रुपये है। पूरी मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है ये। दोस्तों, जब भी हम जयपुर जाते हैं तो वहाँ के पहनावे और खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। तो जल महल के पास आपको इस तरह से कई सारे जो दुकानदार मिल जाएंगे, जो आपको राजस्थानी कपड़े पहनाएंगे और आपकी फ़ोटो जल महल के सामने लेंगे, जो कि एक यादगार मोमेंट रहता है। तो इस तरह की ड्रेस के ये 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 100 रुपये 150 रुपये तक चार्ज करते हैं। गाइस, ये हमने ट्राई किया है सबके लिए एक फ़ोटोशूट जल महल के पास, और मान का भी अभी ड्रेसिंग हो रहा है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं जरूर जब भी आएँ तो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। जल महल के पास मोस्टली चीज़ें ये सीधी दुकानें हैं और आपको ट्राई जरूर करना चाहिए राजस्थानी। तो वैसे जल महल अगर आपको आना है तो सारे जैसे किले विले आपने घूम लिए, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस तरह से खाना वाना खिला सकते हैं मछलियों को भी, क्योंकि इवनिंग पे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे लाइट वाइट जल जाती है। तो पूरी ये जितनी भी कॉरिडोर गली सी है यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, एक अच्छा सा लगता है मतलब, जैसे तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, प्लस जल महल में भी लाइटिंग हो जाती है कलरफुल, तो इवनिंग पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। तो Oh, that's it.
नाव खड़ी हुई है उधर है, वो देखो आइलैंड छोटा सा, वो आइलैंड सा बना रखा। तो दोस्तों अगर आप अपना होटल जल महल के आसपास लेते हैं तो ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि आप शाम के वक्त सनसेट के टाइम पे जल महल के पास आकर मार्केटिंग कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ छोटी मोटी कर सकते हैं, और जल महल के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं, फ़ोटोशूट करा सकते हैं। तो जल महल एक सबसे अच्छा और मस्ट विजिटेड प्लेस है इन जयपुर, जिसके बिना जयपुर का टूर आपका अधूरा होगा। तो दोस्तों ये देखे इसी तरह से जयपुर, जल महल की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों, और लाइक शेयर करना। जयपुर की इसी तरह की वीडियो मेरी और भी हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।